हेलो एवरीवन, पिछले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, बॉडी सिमेट्री को, जर्म लेयर को एंड सीलोम को। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सेगमेंटेशन को, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड को एंड पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम को। द फोर्थ क्राइटेरिया इज सेगमेंटेशन। सेगमेंट का मतलब होता है खंड, टुकड़ा या फिर पार्ट्स। अगर हम किसी एक बॉडी को, सपोज कि ये एक बॉडी है, उसका कुछ पार्ट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये जो एक खंड है, ये जो एक टुकड़ा है, इसको हम लोग सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी का एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड हो जाना कुछ सेगमेंट्स में, और कुछ ऑर्गन्स का उस सेगमेंट में सीरियल रिपीटेशन होता है। कुछ एनिमल्स का बॉडी सेगमेंटेड होता है एंड कुछ एनिमल्स का बॉडी सेगमेंटेड नहीं होता है। सेगमेंटेशन का जो एग्जांपल्स है वो फाइलम एनिलिडा एंड अर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। अर्थवर्म एनिलिडा का एग्जांपल है, आपने अर्थवर्म देखा होगा, उसका बॉडी किस तरह सेगमेंटेड रहता है ना। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में बॉडी के डॉर्सल साइड में बनता है। ये जो हमारा फ्रंट है इसको वेंट्रल कहते हैं, और ये जो हमारा बैक है इसको हम लोग डॉर्सल साइड कहते हैं। नोटोकॉर्ड कैसा स्ट्रक्चर है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और कब बनता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में बनता है। और कहां बनता है? तो ये बनता है डॉर्सल साइड में। नोटोकॉर्ड क्वाडाटा में पाया जाता है। क्वाडाटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उन सभी एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। पॉरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्मेटा तक किसी में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, इसीलिए इनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं एंड क्वाडाटा को कॉर्डेट्स कहते हैं। सेवेंथ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है और क्राइटेरिया है पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम। एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा एंड क्वाडाटा, इन सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दैट मीन्स इनमें रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम के द्वारा होता है। लेकिन अलग अलग फाइलम में ऑर्गन सिस्टम का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। ऑर्गन सिस्टम के अलग अलग पैटर्न की वजह से भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। इस चीज को समझने के लिए दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का दो पैटर्न होता है, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा होता है कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग होता है, यही एक ओपनिंग माउथ का भी काम करता है और एनस का भी काम करता है। ये पाया जाता है प्लैटिहेलमिंथस फाइलम के एनिमल्स में। इसमें दो ओपनिंग पाया जाता है, एक ओपनिंग माउथ कहलाता है एंड दूसरा ओपनिंग एनस कहलाता है। इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थ्रोपोडा से लेकर के क्वाडाटा तक सभी एनिमल्स में पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का भी दो पैटर्न होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में इनक्लोज्ड नहीं होता है, नॉट इनक्लोज्ड इन ब्लड वेसल। इसमें ब्लड डायरेक्ट बॉडी कैविटी में जाता है और वो ऑर्गन एंड टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, एकाइनोडर्मेटा में एंड हेमिकॉर्डाटा में भी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में इनक्लोज्ड रहता है, ब्लड टिश्यू के या फिर ऑर्गन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहता, इसीलिए इसको हम क्लोज्ड कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोज रहता है ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पैटर्न पाया जाता है एनिलिडा में एंड क्वाडाटा में। इस पार्ट में जो जो समझे हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन का फिफ्थ बेसिस है
बॉडी सेगमेंटेशन। एनिलीडा फाइलम के एनिमल्स के बॉडी में बॉडी सेगमेंटेशन पाया जाता है, दैट मीन्स उनका बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड होता है सेगमेंट्स में। सिक्स्थ पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि सभी कॉर्डेट्स में पाया जाता है। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट इज पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम। एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम तो होता है, लेकिन इन ऑर्गन सिस्टम का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। डिफरेंट पैटर्न की वजह से भी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है प्लैटिहेलमिंथस में, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है ऑर्थोपोडा से लेकर के कॉर्डाटा तक। सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है अर्थोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डाटा में, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है एनिलीडा एंड कॉर्डाटा में। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फाइलम पॉरीफेरा को पढ़ेंगे।